वेलकम टू प्लेसमेंट टॉक 786। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू सो एंड हिट द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट ऑफ कैंपस अपडेट्स एंड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ, वो भी ब्राइलियो कंपनी की तरफ से। ब्राइलियो कंपनी इज़ करंटली हायरिंग फॉर द रोल ऑफ डेटा एंड एनालिटिक प्रैक्टिशनर एंड द CTC विल बी 4.5 LPA एंड लोकेशन जॉब लोकेशन यूर विल बी बेंगलुरु, दैट इज़ बेंगलोर। अब जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको क्या है। एज ए पार्ट ऑफ ब्रेलियो डेटा एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस यू विल पार्टनर विद क्लाइंट्स टू बिल्ड एक्सपेरिमेंटियल एट स्केल एंड स्पीड टू ब्रिंग विजन ऑफ लाइफ। यू विल वर्क विद बंच ऑफ एनर्जेटिक एंड पैशनेट टेक्नोलॉजिस्ट फील्ड बाई डेटा फन एंड क्यूरियोसिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड यू हैव टू वर्क इन लार्ज डेटा सेट्स। और डे लाइफ बता देता हूँ आपके डेटा एनालिस्ट के रोल पर प्रैक्टिशनर के क्या क्या काम रहेगा आपका। यू विल पार्टनर क्लोजली विद द प्रोजेक्ट लीड मैनेजर टू डिलीवर स्टेट ऑफ द आर्ट आउटकम्स यूजिंग सॉल्यूशंस इंजीनियर्ड बाय कंसल्टेंट्स आर्किटेक्ट्स और डेटा साइंस। आपको क्लोजली वर्क करना पड़ेगा प्रोजेक्ट लीड के साथ, मैनेजर एडवाइजर के साथ, और आपको आउटकम प्रोवाइड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने कंसल्टेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को, डेटा साइंटिस्ट को। यू विल डेवलप एंड बिल्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज इन डेटा साइंस बिग डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स टेक्निक्स डेली टू इनेबल इंक्रीमेंटल इनोवेशंस इन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। आपको खुद में आपको डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपको, होना पड़ेगा आपको डेटा साइंस में, बिग डेटा में, एनालिटिक्स में और विजुअलाइजेशन टूल्स में आपको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के टाइम। यू विल टेक कम्प्लीट ओनरशिप ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स इन द प्रोजेक्ट, वर्क इंडिपेंडेंटली और कोलेबरेट विद टीम एक्सटेंसिवली डिपेंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। तो ये क्या करना है, आपको खुद से ओनरशिप लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, आपको खुद से मतलब लीड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट में अगर टीम की रिक्वायरमेंट है तो आपको टीम के साथ कोलाबरेट करना पड़ेगा। At all times you will clearly articulate and communicate with diverse set of internal and external customers with verifying degrees of technical proficiency and deliver critical business solutions and process related information to mitigate any risk or failures. आपको अपनी technical proficiency और critical business के हिसाब से आपको project बनाना पड़ेगा। You will persistently look for opportunities to address customers' need by being थर्ड पार्टनर इन एवरी मोमेंट ऑफ एंगेजमेंट्स। फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल यू मस्ट हैव टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विद इन एंड आउटसाइड द टीम रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। डिसमेंटल पर्सनल नॉलेज एंड एम्पावर अदर्स बाय मॉनिटरिंग एंड फोस्टरिंग एंड एनवायरमेंट ऑफ द ग्रोथ। यू नीड टू बी क्रिएट वैल्यू बाय पार्टिसिपेटिंग एंड एंटिसिपेटिंग एंड मीटिंग नीड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स बाय एंड प्रोवाइडिंग डिलीवरी हाई क्वालिटी रिजल्ट्स टू अकाउंटेबल फॉर आउटकम्स। Open and flexible to accommodate and implement new ideas, understand business complexities, nurture innovation and challenges the status quo personally. अब कैंडिडेट प्रोफाइल क्या चाहिए इस जॉब के लिए बता देता हूँ आपको। आपको नॉलेज होनी चाहिए पाइथन या जावा का एंड SQL का। आपको एक्सीलेंट इंग्लिश रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी इस जॉब के लिए। क्वालिफिकेशन चाहिए इसके अंदर 10th और 12th में 75% एंड अबव। बी टेक में आपको चाहिए 20 BTech CSEIT और IAS ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हैं। बैच एलिजिबल हैं 2020 एंड 2021 और आपको चाहिए 60% थ्रू आउट इस जॉब के लिए और नो बैकलॉग्स अलाउड है और आपको एक्सीलेंट इंग्लिश रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपने। वही सेम प्रोसेस है MEMTech में CSEIT और IAS स्टूडेंट्स के एलिजिबल हैं, वो भी 2021 और 2020 बैच स्टूडेंट्स के। इसमें भी आपको 60% थ्रू आउट चाहिए, आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए और आपको आपके अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए और स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल प्रोवाइड दिस जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय बाय, सी यू सून।